हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। तालिबान के बारे में बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये नया तालिबान है, 2021 वाला तालिबान सुधर गया है। कोई लिख रहा है कि तालिबान के पास नई लीडरशिप है, नया कप्तान है। ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान बहुत शांत है। सच्चाई यह है कि वहां पूरी तरह अशांति फैली है। बीच सड़क पर कत्लेआम हो रहा है। जिस स्टेडियम में बच्चे खेलते थे, वहां थोड़ी देर पहले तालिबानी आतंकियों ने फांसी की सजा दी है, लाशें लटकाई हैं। अफगानी आवाम ने तालिबान के झंडे उतारे तो दनादन गोलियां बरसाई। मैं बातें सिर्फ कह नहीं रहा हूं, इसके सबूत हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में वीडियो बनाना और आप तक लाना बहुत मुश्किल काम है। चप्पे चप्पे पर तालिबानी आतंकी घूम रहे हैं। चौक चौराहों पर डर और दहशत का माहौल है। वहां के लोग जान पर खेलकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम तक पहुंचा रहे हैं। तो आज हम जो बातें करेंगे वो सारे सबूतों के साथ करेंगे। एक एक वीडियो की मदद से तालिबान को एक्सपोज करेंगे ताकि आप नया तालिबान वाला प्रोपेगेंडा में ना फंसे। काबुल एयरपोर्ट से एक अफगानी लड़की का वीडियो आया है। ये वीडियो आज आपका सीना छलनी कर देगा। 12 सेकंड का ये वीडियो रुला देने वाला है। एक तरफ अमेरिकी सैनिक, दूसरी तरफ कंटीली तार की दीवार और इस लड़की की कपकपाती आवाज। काबुल से आया ये वीडियो तालिबान की दहशत का सबसे खौफनाक मंजर है। आप भी सुनिए ये लड़की क्या कह रही है। एक बार नहीं, दो बार सुनिए। ये नया तालिबान नहीं है, ये वही पुराना और खूंखार तालिबान है। एयरपोर्ट पर गोलियां, सड़क पर खून खराबा, घर का दरवाजा तोड़कर किडनैपिंग, पत्रकारों को पकड़ पकड़ कर मारना, ये था और यही है तालिबान का रक्त चरित्र। ताबड़तोड़ चल रही गोलियां, बंदूक से बरसती मौत से जान बचाते लोग, तालिबान के डेथ स्क्वाड की हैवानियत की तस्वीरें आने लगी हैं। कहीं लोहे की रॉड से पीटा, कहीं घर के बाहर निकालकर दीवार से सटाकर एंटी टैंक रॉकेट से उड़ाने की धमकी दी, कहीं लोकल पत्रकारों पर लात घूंसे बरसाए, कहीं बीच सड़क पर खुल्लम खुल्ला गोली बरसाई, तो कहीं मुंह काला करके रस्सी से बांध के बीच सड़क पर परेड कराई। आज हम आपको तालिबान के आतंक की 10 या 20 नहीं 35 नए वीडियोस दिखाएंगे। एक एक वीडियो रोंगटे खड़े करने वाला है। वीडियो का एक एक फ्रेम कैमरे पर खुद को गुड तालिबान बताने वाले बैड तालिबान को एक्सपोज करने वाला है। शुरुआत काबुल से करते हैं। पहले आपको सीधे हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेकर चलते हैं। बाहर तालिबानी आतंकी, अंदर यूएस मरीन्स और जबरदस्त फायरिंग। एक या दो राउंड नहीं, कई राउंड्स। ऑडियो सुनिए, वीडियो देखिए। काबुल में एयरपोर्ट से थोड़ी दूरी पर एक सीन ये भी था। हथियार बंद आतंकी बीच सड़क पर कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ दौड़ दौड़ कर गोलियां बरसाता देखा। खौफ के आलम को इस तस्वीर से समझिए। सड़क पर हथियारों से लैस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तालिबानी आतंकी और एयरपोर्ट की दीवार से चिपकी अफगानी महिलाएं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर चली गोलियों ने कितनों की जान ली फिलहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन इन भयावह तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां क्या हुआ होगा।
तालिबान के डेथ स्क्वाड का यही डर अभी भी हर अफगानी को परेशान कर रहा है। इसलिए कोई एयरपोर्ट की दीवार फांदकर अपनी जान बचाना चाहता है, तो कोई हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर अंदर जाने की भीख मांग रहा है। एक एग्जाम्पल इस लड़की का है जो अमेरिकी सैनिकों के सामने रो रो कर बस एक ही बात बोल रही है, हेल्प करो, हेल्प, तालिबान मेरे लिए आया है। ये सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। एक बार फिर बहुत गौर से सुनिएगा। ऐसी एक आवाज नहीं, ढेर सारी आवाजें हैं। एक वीडियो कुछ अफगानी लड़कियों ने भी रिकॉर्ड किया है। वो कपकपी आवाज में रनवे पर खड़ी होकर गुनगुनाते हुए कह रही हैं कि अब वो बेघर हो गई हैं। इस वक्त काबुल एयरपोर्ट के बाहर हथियारों से लैस आतंकियों की दहशत है, चप्पे चप्पे पर टेंशन है। काबुल एयरपोर्ट के ठीक बाहर से आया एक वीडियो ये भी है। गाड़ी में ठूंस ठूंस कर लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। एयरपोर्ट के भीतर अमेरिकी सेना का कब्जा है, मगर सिचुएशन वहाँ भी अंडर कंट्रोल नहीं है। तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें इसका लेटेस्ट सबूत है। चाहे जो हो जाए, हर कोई काबुल से भागने की फिराक में है। आज ही चौंकाने वाला एक और वीडियो आया है, गौर से देखिए। हवाई जहाज में एंट्री के लिए लोग कपड़ों की रस्सी बनाकर जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, हवाई जहाज के लगेज बॉक्स में बैठे इस बच्चे की तस्वीर अफगानिस्तान के स्थानीय पत्रकार शेयर कर रहे हैं। ये फोटो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। इस एक तस्वीर में मजबूरी भी है और जान गंवाने का डर भी है। आखिरी बार इसे काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर में लटके हुए देखा गया था, मगर अब ये जिंदा है या नहीं किसी को नहीं पता। काबुल के बाद आपको कंधार ले चलते हैं। आज यहाँ पर तालिबान ने खुले में नरसंहार किया। कंधार स्टेडियम में खड़े करके अफगान आर्मी के 4 कमांडर्स को एग्जीक्यूट कर दिया। मारे गए कमांडर्स में से एक नाम हाशिम रेगवाल का भी था, जो अफगानिस्तान के जनरल रजाक का करीबी था। तालिबान का डेथ स्क्वाड इस वक्त अलग अलग लोकेशन पर जाकर एक एक घर का दरवाजा तोड़कर उन लोगों को निशाना बना रहा है जो या तो अफगान सरकार के साथ काम कर रहे थे या किसी एनजीओ के साथ जुड़े थे। घर में घुसकर लोगों को घसीटने का ये वीडियो इसका पहला सबूत है। अब एक और वीडियो देखिए, इसमें भी बिल्कुल वही पैटर्न। एंटी टैंक रॉकेट प्रोपेल्ड हथियारों के साथ डराना, धमकाना, घर के बाहर बिठाना, छतों पर चढ़कर गोलियां बरसाना, सब कुछ खुले में हो रहा है। अफगानिस्तान के खोस्त में भी आज जमकर बवाल हुआ। तालिबान की खूनी सोच के खिलाफ इस प्रांत के लोगों ने अफगानिस्तान का झंडा हाथ में उठा लिया। तालिबान ने रोकने की कोशिश की तो विरोध हुआ, बस फिर क्या था, आतंकियों ने दनादन गोलियां बरसा डाली और कई लोगों को जख्मी कर दिया। गो
गोलियां तो अफगानिस्तान के जलालाबाद में भी जमकर बरसी। तालिबानी आतंकियों ने आंख मूंद कर फायरिंग की। दो लोगों को स्पॉट पर मार डाला, 10 से ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि खोस्त की तरह जलालाबाद में भी लोगों ने अफगानिस्तान का झंडा बुलंद कर दिया था, तालिबान के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये जलालाबाद में गोलियां बरसाने से ठीक पहले का वीडियो है। अफगानी नागरिकों ने तालिबान का झंडा उतारकर अपने मुल्क का झंडा क्या लहराया। तालिबान बौखला गया और इसी के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। कुछ घंटों पहले ही तालिबान ने वर्ल्ड मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े दावे किए थे। कहा था कि वो ना तो किसी से बदला लेगा, ना घर में घुसेगा, ना लूटपाट करेगा। आजादी और इस्तकलाल अखिस्तल दे हर मिल्लत मशरू हक द अफगानन हम दे खपल मशरू हक से इस्तफादा वसु कवले लवगदे उदरनेशल कलने मुबादजे व जिहाद से खौरस्ता द आजादी वाखली और खपल हिवाद اشغال او د اشغال لته تیمو څخه پاک کی رنگ خپل همسایه او دونو ټول ته ډاډ ورکو چې موږ اجازه نه ورکو چې د افغانستان خاوره د گاونډیو او یا د نورو ملکونو په ضد استعمال سي او یا د غو په خلاف استعمال سي په دې اړه غواړو چې ټول نړیوال مطمئن وسیږي ډاډه وسیږي اسلامي امارت خپل ژمنو ته متحد ده। طالبانی آتنکیوں کی گولی برسانے اور گھر میں گھسنے کی تصویریں آپ نے دیکھ لی। अब लुटेरे तालिबानियों की ये तस्वीरें देखिए। वीडियो काबुल का है जहां दिन दहाड़े तालिबान के आतंकी एक पूर्व सरकारी कर्मचारी के घर से लैंड क्रूजर कार लूटकर भाग गए। सब कुछ बंदूक के दम पर हुआ। तालिबान की खूंखार सोच का एक वीडियो ये भी है। बंदूक के दम पर जलालाबाद के एक स्थानीय पत्रकार को बेरहमी से पीटा गया। तालिबानी आतंकी उसकी छाती पर ऐसे कूद रहे थे मानो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ये पत्रकार विदेशी मीडिया के लिए काम कर रहा था। मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ एक वीडियो ये भी है। बीच सड़क पर चारों तरफ से घेर कर लोगों के सिर मुंडवा दिए गए। अब इस शख्स को देखिए। आतंकियों ने पहले इसे बड़ी बेरहमी से कार से बांधा, इसके चेहरे पर कालिक पोती और परेड करवाया। तालिबान ने कहा कि वो लुटेरों को सजा दे रहा है, मगर बिना ट्रायल के और बिना किसी सबूत के किसी को दोषी ठहरा देना, यही तो तालिबान का कल्चर है। तालिबान की खूनी सोच के तहत वो क्राउड कंट्रोल इस तरह करते हैं। जो देखा उसे पीट दिया, जो नहीं भागा उसका सिर फोड़ दिया। इसमें एक पाकिस्तानी एंगल भी है। लश्करे तैयबा और लश्करे जंगवी जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठन अफगानिस्तान में एक्टिव हैं। पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के आतंकवादी तालिबान के साथ मिलकर लूटपाट कर रहे हैं। पैसा वसूली, टीवी लूटने तक का काम पाकिस्तानी आतंकवादी ग्रुप के आतंकी कर रहे हैं, वो भी बाकायदा चेक पोस्ट लगाकर, जैसा कि इस वीडियो से साफ है। सच तो ये है कि तालिबान इंटरनेशनल कम्युनिटी को धोखा देकर झूठ तो बोल सकता है, मगर इन तस्वीरों का सच कैसे छिपा सकता है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि अफगानिस्तान के अलग अलग लोकेशन से आम लोगों ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनकी आवाज दबाने के लिए ये खूंखार आतंकी संगठन उसी पुराने पैतरे यानी हिंसा और गोलीबारी का इस्तेमाल कर रहा है। एक बार फिर सुनिए गोलियों की थर्रा देने वाली आवाज। तालिबान की गोलियों की आवाज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और इस आवाज को दबाने के लिए तालिबानी आतंकी टीवी हो या रेडियो सबकी आवाज बंद कर रहे हैं। बिकॉज़ वो मौजू ये वो मुहिम मौजू है। द इशू ऑफ वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द इस्लामिक एमिरेट इज कमिटेड टू द राइट्स ऑफ वुमेन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ शरिया। Our sisters, our women have the same rights, will be able to benefit from their rights.
They can have activities in different sectors and different areas on the basis of our rules and regulations, educational, health, and other areas. They are going to be working with us, shoulder to shoulder with us. The international community, if they have concerns, we would like to assure them that there's not going to be any discrimination against women, but of course within the frameworks that we have. Our women are Muslim. They are will also be happy to be living within our frameworks of Sharia. ये अफगानिस्तान की नेशनल रेडियो टेलीविजन की न्यूज प्रेजेंटर शबनम है। आज काम पर गई थी मगर तालिबानी आतंकियों की सरकार ने इन्हें कहा कि अब सत्ता बदल गई है, तुम्हें इजाजत नहीं है, तुम घर जा सकती हो। ये है कैमरे पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले तालिबान का सच। महिलाओं का काम करना तो दूर, तालिबान को ये तक पसंद नहीं कि किसी ब्यूटी पार्लर के बाहर महिलाओं की फोटो दिख जाए, इसलिए अभी से चेहरों को ढका जाने लगा है। आज तो तालिबान की खूनी सोच के सिर्फ 50 वीडियो आए, अभी तो ऐसी सैकड़ों तस्वीरें आएंगी। तालिबान का टॉर्चर पूरी दुनिया देखेगी और अफसोस इसमें किसी और का नहीं, अफगानिस्तान के निर्दोष आवाम मारी जाएगी। इसीलिए अगर कोई ये कहे कि तालिबान सुधर गया है तो उस गलतफहमी में मत रहिए, ये नया तालिबान नहीं, वही पुराना खूंखार और हत्यारा तालिबान है। सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।